साथियों, मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं अभावों में रहा हूं, लेकिन अपने देश को अभावों में नहीं रहने दूंगा। मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज गरीब की चिंता दूर करने का अवसर कांग्रेस के पास भी था, लेकिन नियत और इच्छा शक्ति नहीं थी। बेईमानी और भ्रष्टाचार की नियत अच्छे काम करने से उन्हें रोकती थी। पहले समाज के जिन वर्गों को छोटा समझा गया, उनके जीवन में बड़े परिवर्तन का प्रयास हमने किया। गरीब से गरीब को गुणवत्ता का जीवन मिले, आज देश में इसके लिए काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू हुई। देश भर में हमारे विश्वकर्मा साथी कोने कोने में फैले हैं। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां कोई न कोई विश्वकर्मा परिवार न रहता हो। अपनी परंपरा, अपनी कला, अपनी उपयोगिता के लिए जाने जाने वाले ये साथी हर समाज में है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया? कांग्रेस ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। आपने एक वोट देकर इस सेवक को आपकी सेवा करने का अवसर दिया। आज हमारे कुम्हार भाई बहन, लोहार भाई बहन, सुनार भाई बहन, सुतार भाई बहन, जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, दर्जी, ऐसे दर्जनों साथियों के लिए राष्ट्रीय विश्वकर्मा योजना बनी। इनकी ट्रेनिंग का इंतजाम हुआ है, लाखों रुपए के लोन की व्यवस्था हुई है और विश्वकर्मा साथियों के लिए जो ये कम ब्याज का लोन मिलेगा उसकी गारंटी मोदी ने ली है, सरकार ने ली है। साथियों, हमने रेहड़ी पटरी ठेले पर छोटा मोटा कारोबार करने वाले साथियों के लिए भी बैंकों के दरवाजे खोले हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत इनकी मदद की गारंटी भी मोदी ने ली है। गांव में, कस्बों में हमारे साथी अपनी दुकान, ढाबा, गेस्ट हाउस ऐसे व्यवसाय कर सके, ये पहले बहुत मुश्किल था। उनके पास गारंटी नहीं होती थी, इसलिए बैंक से उन्हें मदद मिलना मुश्किल था। मोदी ने ऐसे साथियों की गारंटी भी ली। मुद्रा योजना के तहत लाखों का बिना गारंटी का पैसा उन्हें मिल रहा है। इस योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बहनें हैं, हमारे दलित भाई बहन हैं, हमारे पिछड़े परिवार हैं, हमारे आदिवासी साथी है, हमारे छोटे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों की तो सरकारी नीतियों में पूछ ही बहुत कम होती थी।